नमस्कार, इंडिया टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित पालेत और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मीनाक्षी जोशी। क्या आप भी बिना डॉक्टर की सलाह के दवाइयां खुद लेते हैं? पेन किलर, एंटीबायोटिक भी बिना प्रिस्क्रिप्शन के ही ले लेते हैं, यानी खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं और अक्सर ऐसा होता भी है। तो समझ लीजिए कि आपका लीवर खतरे में है, क्योंकि कई दवाइयों के साइड इफेक्ट्स होते हैं और इनसे होने वाले नुकसान का पहला टारगेट क्या होता है? लीवर। असल में लीवर को बॉडी का सेंट्रल कंट्रोलर और डॉक्टर भी कहते हैं, जो हमारी बॉडी में 500 से ज्यादा एक्टिविटीज करता है, जैसे डाइजेशन के लिए एंजाइम्स बनाना, बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट अलग करके बॉडी को डिटॉक्स करना, कोलेस्ट्रॉल मेंटेन करना और साथ ही प्रोटीन भी बनाता है हमारा लीवर। लेकिन कई बार हमारे गलत फूड हैबिट्स, जैसे कि तला भुना खाना, मसालेदार खाना खाना, जंक फूड खाना, ज्यादा अल्कोहल लेना और दवाइयों का ज्यादा इस्तेमाल लीवर को बीमार कर देता है। इसमें फैटी लीवर सबसे कॉमन है। इसके अलावा सिरोसिस, जॉन्डिस, हेपेटाइटिस भी हो सकता है और कई केस में तो लीवर डैमेज भी हो सकता है। अमित, बिल्कुल मीनाक्षी, और इसलिए लीवर को हैप्पी कैसे रखें ताकि बॉडी हेल्दी रहे और लीवर ट्रांसप्लांट की नौबत ना आए, योग और आयुर्वेद के कॉम्बिनेशन से लीवर को कैसे आप बचाएं, ये बताने के लिए स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, आप आज ऐसे 5 योगाभ्यास बताएं जिन्हें हर कॉमन मैन को, वुमेन को रोजाना करना चाहिए, जिससे लीवर की बीमारी हो ही ना और अगर हो भी गई हो तो उसे हम ठीक कर सकें। तो देखो, प्राणायाम तो रोज करते ही करते हैं, वो आगे भी करना है। अभी मेरे साथ आप लोग मंडूक आसन करो। 5 से 10 अभ्यास हम बता रहे हैं, जो 10 कर पाए वो 10 के 10 कर लेना और जो 5 कर पाए 5 कर लेना। आज क्योंकि मौसम यहाँ पर भी है और मुझे लगता है दिल्ली में भी बहुत बादल हैं, घना कोहरा है, थोड़ा ठंड भी ज़्यादा होगी, अंगूठा अंदर, अंगुलियाँ ऊपर, मुठियाँ बंद, इसलिए हम निरामयम के योग भवन के अंदर कर रहे हैं। श्वास बाहर छोड़ करके आगे झुकेंगे। ये मंडूक आसन, एक आसन 5 मिनट करना है ऐसे ऐसे। अब दूसरा अभ्यास मंडूक आसन का, अब इसमें कपाल भाती के साथ करें। क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, फिर इसमें छाछ का एनिमा देते हैं जिनको कोलाइटिस होता है और जिनको स्किन डिजीज होती है। एक भाई यहां पर है जिसको ये एनिमा दिया जा रहा है, इसको तो हेपेटाइटिस है। दूसरा इधर एक बेटा लेटा हुआ है, उसको सोराइसिस भी है, उसको हेपेटाइटिस भी है, एक ही साथ कई प्रॉब्लम है उसको, तो लीवर सिरोसिस, उसको सोराइसिस और पेट की तो गड़बड़ी है ही है। श्वास बाहर छोड़ करके आगे झुक गए और साथ में कपाल भाती करते रहे। एक आसन ऐसे 5 मिनट करना है। ये पहला भाई जो यहां पर कर रहा है, क्या नाम, वेद प्रकाश है? इस वेद प्रकाश का तो फैटी लीवर था। कितने दिनों रहा आपको फैटी लीवर का? ग्रेड थी। इसको माइक दे दो भाई। मेरा ग्रेड 3 फैटी लीवर था और मुझे फीवर जा नहीं रहा था, किसी भी कीमत पे हमेशा 99 फीवर रहता था और उसके साथ मुझे कई बार कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता था, कई 6-7 बार ऐसे जाना पड़ता था। बुखार जाता नहीं था। हाँ जी, बुखार जाता ही नहीं था। बुखार जाता ही नहीं था, कुछ भी मैं एक्सरसाइज कर लूँ फीवर आ जाए, हल्की सर्दी लग जाए, कुछ भी कर लूँ, मुझे कभी भी, मैं अपने आप को पूरा हेल्दी कर ही नहीं पा रहा था। तो ये कितने दिन में ठीक हो गया? मेरा फैटी लीवर 1 साल में पूरा अभी नॉर्मल। मैं USG कराया, यहाँ मैं 1 महीना पहले आया था, जाके USG कराया, टोटल एवरीथिंग टोटल 0 और इनलार्ज भी मेरा फैटी लीवर हो गया था, वो भी चला गया, मेरी रिपोर्ट यही है, लाया भी हूँ मैं। लीवर इनलार्ज भी हो गया था, हार्ट इनलार्ज भी ठीक होता है, जो एक हमारे यहाँ पेशेंट आए हुए आर्मी के है कैलाश जी, इनलार्ज हार्ट हो जाए, इनलार्ज लीवर हो जाए, फैटी लीवर हो जाए। मंडूक आसन 1 से 5 मिनट करना है। कोलेस्ट्रॉल जो है वो आ गया है 190। सारी बॉडी नॉर्मल होगी, फैटी लीवर और
लीवर जो है आकार में भी बड़ा हो गया, तो कुछ पूछ रहे थे हम। हाँ स्वामी जी, जो फैटी लीवर है जो मोटे लोग होते हैं उनमें तो ये आम तौर पे होता है, लेकिन जो दुबले पतले होते हैं उनको भी कैसे फैटी लीवर हो जाता है? आजकल ये जो ट्रांसफैट बहुत खाते हैं, तली हुई भुनी हुई चीजें, अनहेल्दी फूड, जंक फूड, फास्ट फूड बहुत लेते हैं, बेसमय खाते हैं, बिना समय के लोगों को कॉन्स्टिपेशन कोलाइटिस रहता है, नींद पूरी नहीं आती है, पानी पूरा शुद्ध नहीं है। और जैसे आपने प्रारंभ में बताया एलोपैथी की भी दवाइयाँ खूब खाते रहते हैं, उससे भी लीवर पर पेंक्रियाज पर सबसे ज़्यादा असर होता है। मंडूकासन और यक्षकासन, ये तो पेट के लिए, लीवर, किडनी, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेंक्रियाज के लिए रामबाण है। एक एक आसन ऐसे 5 मिनट करना, देखो 5-7 बातें जरा गौर से सुने। मोटे लोगों को भी फैटी लीवर होता है, बहुत ज़्यादा जो फैट खाते हैं उनको भी फैटी लीवर होता है, जो मोटे भी नहीं है फैट भी नहीं खाते उनको भी फैटी लीवर होता है अनहेल्दी लाइफस्टाइल के कारण से। ये जेनेटिकली भी होता है लोगों को, किसी भी कारण से फैटी लीवर हो। योग पूरा करें, आयुर्वेद के जो आज हम उपाय बताने वाले हैं, जैसे सर्वकल्प क्वाथ से लेकर के लियोग्रिट लिवामृत से लेकर के, और खान पान में सुबह बथुआ से लेकर के, और वीट रूट, और वीट रूट के साथ साथ में कैरेट, जिंजर, अदरक, थोड़ा उसमें अनार, थोड़ा ये साधारण सी चीज़ें, अनार, गाजर, बीटरूट, ये तो जिनको हीमोग्लोबिन भी कम है उनके लिए भी रामबाण है। थोड़ी सी में आंवला मिला दिया, जिनको आज ये कई तरह की चीज़ें मैं बताने भी वाला हूँ, और वीट ग्रास से लेकर के, एलोवेरा से लेकर के, दूधी और संजीवनी से लेकर के मंडूकासन, ऐसे एक आसन ज़्यादा देर करना, इसलिए मैंने आज ज़्यादा देर करके बताया। इंडिया टीवी पर इतना वक्त नहीं होता है कि एक ही आसन 5 मिनट करें, फिर भी हम करके बता रहे हैं। मंडूकासन, शशकासन बहुत रिलैक्स मिलता है बॉडी को भी, माइंड को भी। बॉडी के लिए, माइंड के लिए, हमारे सामने के और पीछे के जो शरीर के अवयव होते हैं, मसल्स, बोन से लेकर के हमारे ऑर्गन से लेकर के, सब कुछ को बैलेंस कर देता है। जब आप लगातार करते हो, कपालभाति के साथ करें, खास बात ये, तो देखो पहले मैं मूल 5-7 बातें बता देता हूँ, फिर पूरा सत्र तो आज हमारा है ही, ये लीवर के पेशेंटों के लिए समर्पित है। तो सुबह उठ करके वीट ग्रास ले लें, एलोवेरा ले लें, सुबह उठ करके आंवला ले लें। 5 चीज़ें हम बताते हैं हमेशा, मैंने अभी भी रखी हुई यहाँ पर, जीरा है, धनिया है, मेथी है, अजवाइन है, सौंफ है। जीरा, धनिया, मेथी, अजवाइन, सौंफ, ये 5 चीज़ें रात को भिगो करके एक एक चम्मच, और बिना उबाले सुबह खाली पेट बस उसको छान करके पी लें, फिर उसी को दोबारा उसी में पानी डाल दें। ऐसे ये 3 दिन तक प्रयोग किया जा सकता है, 3 दिन के बाद इनको बदल दें। ये पेट के लिए अद्भुत है। जिनको भी कॉन्स्टिपेशन है, कोलाइटिस है, इंडाइजेशन है, पाइल्स, फिसर, फिस्टुला है, पेट का पूरा इन्वायरमेंट अच्छा हो जाता है इन चीज़ों से। एक तरफ से ऐसे, फिर दूसरी तरफ से देखो ऐसे। लीवर की सबसे आम समस्या है जॉइंटिस होना। कहते हैं कि धूप में बैठने से लीवर में ये जो जॉइंटिस की समस्या है वो दूर हो जाती है, क्या ये ठीक है? क्योंकि छोटे बच्चों को तो हमने देखा है कि जन्म होने के बाद थोड़ा सा धूप दिखाया जाता है मालिश करके, सिर्फ इसलिए कि उनका लीवर स्ट्रांग हो। ये हाँ जरूरी है, विटामिन डी मिलने के साथ साथ डाइजेशन में सूर्य जो है वो अग्नि तत्व प्रधान है, और हमारी शरीर के अंदर 13 अग्नियाँ होती है, पंचभूताग्नि, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश, जो पंचतत्व 5 एलिमेंट्स है जिनका कपुंशली बॉडी है। पंचभूताग्नि, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, रज, सप्त धात्वाग्नि, और फिर होती है हमारी जठराग्नि। ये प्राणाग्नि से और सूर्य के प्रकाश से ये जागृत होती है, उसकी बड़ी भूमिका है। वैसे
सुबह खाली पेट एक कप दूध के अंदर एक नींबू निचोड़ करके पी लो, जॉन्डिस अच्छा हो जाता है। एरेंड का रस पी लो, जॉन्डिस अच्छा हो जाता है। सोना की छाल का पानी पी लो, जॉन्डिस अच्छा हो जाता है। सर्वकल्प पी लो, 3 से 7 दिन के अंदर जॉन्डिस अच्छा हो जाता है। स्वामी जी अब ये बैठ करके आसन में जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं लेट करके उनमें भी कई बार देखा गया कि उन्हें जॉन्डिस हो जाता है या लीवर की कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो ऐसा क्यों हो जाता है और इसका क्या इलाज है न्यूबॉर्न बेबीज में? नो बॉर्न बेबीज को ये 4-5 प्रॉब्लम्स मेन होती हैं, जॉन्डिस होना, कफ होना। आजकल तो बच्चों को जन्मजात हार्ट से लेकर के लीवर की सीरियस प्रॉब्लम से लेकर के स्किन की प्रॉब्लम से लेकर के जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स कभी पहले 25, 30, 40, 50 साल में उभरा करते थे, आजकल वो बचपन में ही उभरने लग गए। तो ऐसे बच्चों को भी जो हम औषधियाँ बता रहे हैं, बड़ों को चम्मच के हिसाब से, उनको बूंदों के हिसाब से दी जाती है, 5-5 ड्रॉप उनको दे देनी चाहिए। जो हम अलग अलग चीज़ें बता रहे हैं, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, 5-5 मिनट करना, 1-1 मिनट से शुरू करके। ये मेरे पीछे यहाँ पर एक पौधा रखा हुआ है नागदोन, और अतिबला भी है। अतिबला के और नागदोन के पत्तों का रस निकाल के बच्चों को 5 बूंद पिला दीजिए। ये पूरे पाचन तंत्र को अच्छा करते हैं। यद्यपि नागदोन हम डाइजेशन के उसके पाइल्स के लिए भी देते हैं, और ये जो अतिबला है ये उत्तान पादासन, लोकासन, ये कॉन्स्टिपेशन के लिए देते हैं। वैसे छोटे बच्चों को बचपन में हरण का को घिस करके दिया जाता था, और उस हरण को गाय, और गाय भी ऐसी जो गाय का पहली बार का दूध होता है, उस दूध के अंदर हरण को भिगो दो। जो पहली बार, जैसे गाय अभी ब्याही है तो उसका पहली बार का जो दूध होता है उसमें हरण को भिगो करके फिर सुखा करके रख लेते थे, उसको दिया करते थे जन्म घुट्टी के तौर पर। आजकल तो जन्म घुट्टी के तौर पर न जाने क्या क्या पिलाने लग गए। जो कर सके वो ऐसे करे जैसे मैं कर रहा हूँ। अब ये जो कर सके उनके लिए पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन बता दिया, वह अतिरिक्त बता रहे। देखो जो कर पाए वे ये सेतु बंधासन कर लें और कपालभाति के साथ करें। यह बाह्य प्राणायाम के साथ पेट को और अंदर खींच गया, जिनसे हो पाए वे कर लेना। अब ये पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, लोकासन, सेतु बंधासन, ये धरण नाभि जो ढिकी भी होती है ये भी बड़ी समस्या होती है, वो भी ठीक हो जाती है। जिनकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है उनको हम ये पादांगुष्ठनासन प्रशासन भी कराते हैं। स्वामी जी जिनकी जो लीवर की बात हम कर रहे हैं, अगर लीवर पूरी तरह से डैमेज हो जाता है, ट्रांसप्लांट करने की नौबत आ गई, क्या भी योग के जरिए वो ठीक किया जा सकता है या फिर आयुर्वेद में भी कोई उपाय है? देखो लीवर ट्रांसप्लांट से हम लोगों को बचाते हैं। लिवोग्रिड खाने के पहले, लीवर अमृत खाने के बाद 2-2 गोली देते हैं। जिनको शरीर में सूजन आ गई है उनको पुनर्नवारिष्ठ या आशा वरिष्ठ है। मेरे साथ आज यहाँ बहुत कुछ रखा हुआ है, इतना कुछ है यहाँ आज कहने के लिए। ये पुनर्नवारिष्ठ, कुमारियासव, कुटजारिष्ट, ये अलग अलग अरिष्ट हैं, अभयारिष्ट, ये योग मुद्रासन भी अच्छा जो कर सके, अर्धमत्स्येन्द्रासन भी बताएंगे और गोमुखासन भी बताएंगे। तो 5 से 10 आसन जो जितना कर पाए कर लें। तो 1-1 घंटा कपालभाति करें। अभी क्योंकि सब जगह ये लिवोग्रिट और लिवामृत तो सब जगह नहीं उपलब्ध हैं, इसलिए वो सर्वकल्प क्वाथ सब जगह उपलब्ध हो उसी को ले ले खाली जी। सर्वकल्प क्वाथ जिसमें भूमि आंवला है, पुनर्नवा है और मकोय है, श्वास को बाहर छोड़ करके आगे झुक जाएं, वो लें। और वीट ग्रास, एलोवेरा, और सुबह सुबह खाली पेट
ये बथुआ जो आजकल मौसम में बहुत होता है, मूली, इसका प्रयोग आज बताने वाले हैं। और जैसे मैंने प्रारंभ में ही कहा था, गाजर, चुकंदर, अनार, आंवला, थोड़ी अदरक और इसमें थोड़ा सा वीट ग्रास और एलोवेरा और मिला दे तो ये जबरदस्त जूस हो जाता है। गोमुखासन करते करते आप कुछ प्रश्न ले रहे थे वो भी ले लो जी। तो अब पेट की दूसरी बीमारी, फैटी लीवर भी अच्छा होता है और लीवर सिरोसिस भी अच्छा होता है और हेपेटाइटिस तो नेगेटिव आ ही जाता है। अभी आँव की बीमारी, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, अपचन, उसको भी ले लेंगे। आप कुछ प्रश्न ले रहे थे मीनाक्षी जी, उसको भी ले लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। स्वामी जी, रेणु बिबरा का यमुनानगर से ये सवाल है कि उनके हस्बैंड की स्प्लीन थोड़ी बढ़ी हुई है, 12.9 है, उनकी प्लेटलेट्स भी कम आते हैं, मैक्सिमम 70,000 और मिनिमम 30,000, तो उन्हें क्या करना चाहिए? गोधन अर्क पी ले, और क्योंकि प्लेटलेट कम है इनका, प्लेटलेट बढ़ाने का सबसे बड़ा रामबाण उपाय है गिलोय, वीट ग्रास, एलोवेरा, पपीते के पत्तों का रस और अनार। ये डेंगू में तो हम देते ही देते हैं, डेंगू नहीं, हमने उसकी औषधि भी बना रखी है, लेकिन इससे प्लेटलेट इंस्टेंट बढ़ता है, एक दिन में 5 से 10 हज़ार बढ़ जाता है, 3 से 4 लाख के बीच होना चाहिए, वो भी उनका नॉर्मल आ जाएगा और इनसे स्प्लीन में भी फायदा होगा। तो ये औषधि करें और जो हम आसन बता रहे हैं आज, ये सारे आसन फॉलो करें तो उनको मीनाक्षी जी पूरी तरह से स्प्लीन की प्रॉब्लम और दूसरा प्लेटलेट की प्रॉब्लम, इन सब से छुटकारा मिल जाएगा। जी स्वामी जी, अगला सवाल स्वामी जी बिमल सुडान का है। उनके 15 साल के भांजे को सोराइसिस है और जैसा बताया जा रहा है कि इसके वजह से जो लीवर है उस पर भी असर पड़ने लगा है। हाँ, यहाँ पर भी मैंने बोल रहा था ना, कौन सा बच्चा है जिसको सोराइसिस और लीवर सिरोसिस दोनों है, ये सो गया है। हाँ, एक यहाँ लास्ट में एक बच्चा है, इसको पेट पर पट्टी लगाई तो वो सो गया, कोई बात नहीं, सोने दो उसको उसको भी सोराइसिस और लीवर सिरोसिस दोनों ही हो रखा था। ये दोनों भी किसी किसी को साथ साथ हो जाते हैं। कितना रिलैक्सेशन मिलता है चलते कार्यक्रम में, अगर कोई व्यक्ति सो गया तो और अभी सोया है विद इन 10 मिनट्स तो ये एक साथ, इसका नाम था भगवान दास, ये भगवान दास सो गया, भगवान की शरण में आ गया योग निद्रा हो गई उसको गिलोय और नीमबोटी ये भी साथ में देनी पड़ेगी, गिलोय और नीमबोटी के साथ कायाकल्पटी भी दे देते, गिलोय, नीम, कायाकल्प, खाली पेट, कायाकल्प दो दो, नीम और गिलोय की एक एक, और लिवर सिरोसिस के लिए उसको फिर ये सर्वकल्प और दिवामृत एडवांस। बाकी प्राणायाम तो देखो, कपाल भाति तो ये जबरदस्त है, भस्त्रिका के साथ साथ हम रोज ये करवाते हैं, जो जैसे कर पाए। ये सोराइसिस से लेकर के लिवर सिरोसिस से लेकर के फैटी लिवर से लेकर के एक साथ सब में फायदा करता है, इसलिए तो रामबाण है। और इसके लिए हम लेप बताते हैं सोराइसिस के लिए, वो भी सब नोट कर लें, एलोवेरा, हल्दी, नीम और मेहंदी, इसका लेप लगा लें, एलोवेरा, हल्दी, नीम, मेहंदी, किसी को अपामार मिल जाए, कनेर मिल जाए और त्रिधारा मिल जाए तो और अच्छी बात है, 5 से 7 चीज़ों का लेप लगाते हैं। जी स्वामी जी, और हम तो सिबकथॉर्न और अश्वगंधा के बीजों का रस भी, अश्वगंधा, सिबकथॉर्न और अश्वगंधा के बीजों का तेल निकाल के वो भी लगाते हैं जी, 100% सोरासिस ठीक हो जाता है। जी स्वामी जी, स्वामी जी अगला सवाल, 1 से 5 चम्मच जी जी। तो कीर्ति दीवान का सवाल है कि उनके लीवर में गांठ हो गई है, क्या करें? ओहो, गांठ के लिए कचनार का काढ़ा पिए, अलग अलग चीजों का कषाय होता है, क्वाथ होता है, अर्जुन की छाल, दालचीनी, हार्ट के लिए, सर्वकल्प, पेट के लिए, श्वासारी, फेफड़ों के लिए,
कायाकल्प हो पूरे शरीर की शुद्धि के लिए, पूरी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए। जिनको गांठ होती है उनको कचनार और उसमें थोड़ा सा अर्जुन दालचीनी और डाल ले तो स्वादिष्ट भी हो जाएगा, उसका काढ़ा पिए। और एक एडल्ट के लिए 4 ग्राम शिला सिंदूर, 2 ग्राम ताम्रभस्म, 10 से 20 ग्राम प्रवाल पंचामृत, 2 से 4 ग्राम मोती पिष्टि और पुनर्नवादि मुंडूर 20 ग्राम, ये सब पाउडर मिलाकर के पाउडर कर ले और 60 पुड़िया बना ले। सुबह शाम खाली पेट ये ले ले और खाने के बाद वृद्धिवादी का वटी और ले ले और गोधन अर्घ पे ले और कपाल भाती एक एक घंटा करें, लीवर की गांठ खत्म हो जाएगी। 2-3 बातें खास बताना चाहता हूँ, लीवर की गांठ साथ में पॉलीसिस्टिक ओवरीज, पॉलीसिस्टिक किडनीज के लिए, जिनको माताओं बहनों को यूट्रस ओवरी में किसी को गांठ है उसके लिए भी, या शरीर में कहीं पर भी कोई लाइपम होगी, किसी भी तरह की कोई गांठ है, वो इससे 100% अच्छी हो जाती है। अभी तो हमने जैसे गोखरू की घनवटी, गिलोई नीम की घनवटी दी, ऐसी काचनार घनवटी भी बना करके देने वाले हैं। लोग अपने घरों में ठीक से कर नहीं पाते उसको उबालने आदि का प्रोसेस, ये काचनार गांठों को घुलाने के लिए, इसके ऊपर इंटरनेशनल जर्नल्स में भी रिसर्च पेपर भी पब्लिश हैं, ये बेस्ट है। और कपालभाती एक एक घंटा करना पड़ेगा, पूरा समाधान हो जाएगा उनके लीवर की गांठ का, नहीं तो कैंसर हो सकता है, उससे टीबी भी हो सकती है, पता नहीं कौन क्या 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 हो सकता है। तो ये गांठ को घुलाने के लिए ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं है। स्वामी जी, हमारे इस कार्यक्रम की लोकप्रियता भारत ही नहीं बल्कि विदेश में भी है और अभी अभी लाइव एक दर्शक ऑस्ट्रेलिया से हैं, हरसिमरन सिंह, उन्होंने सवाल भेजा है। इनको इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है यानी IBD, कई डॉक्टर्स से बात की, अलग अलग बातें बताते हैं, लेकिन वो अब आपसे सलाह चाहते हैं। अब देखो, ये जितने भी पेट के IBS से लेकर के कोलाइटिस से लेकर के IBB से लेकर के जितने भी ये समस्याएं, उनके लिए अब एक खास उपाय बता देता हूँ। ये बहुत बड़ी समस्या है, इसके लिए एक तो हम कुटजारिष्ट पिलाते हैं, कुटज घनवटी देते हैं और अब इसमें 4 तरह के प्रयोग बताते हैं। दही या छाछ के साथ बेल का पाउडर देते हैं, ये बेल है, ये बेल का चूर्ण है, ये दही या छाछ के साथ दे देते हैं, बिलपत्र जो होता है उसी का ही। फिर बिलवादी और गंगाधर चूर्ण 50-50 ग्राम, शंख कपर्दक मुक्ता शुक्ति 10-10 ग्राम, मोती पिष्टि 4 ग्राम, ये पाउडर 1-1 चम्मच खिला देते हैं और कुटज घनवटी और चित्रकाटी 2-2 वटी खाने के बाद दे देते हो, 100% ठीक हो जाती है ये प्रॉब्लम। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से लेकर के कोलाइटिस से लेकर के IBS और IBB से लेकर के जितने भी ये प्रॉब्लम है उनके लिए रामबाण उपाय बता दिया। ये बेल चूर्ण पानी के साथ भी ले सकते, छाछ बहुत अच्छी है, हाँ लेकिन घी मीठा और दूध बंद करना पड़ेगा ऐसे रोगियों को। फिर दही के साथ सेव को उबाल करके देते हैं, ये एक उपाय है। और दही के साथ हम अनार देते हैं, ये दूसरा उपाय, तीसरा उपाय है। और दही के साथ हम ये जो ब्राउन राइस है, ये कोई ऐसा नहीं कि पतंजलि का ही लेना, माने राइस के ऊपर छिलका जो होता है उसको उतार देते हैं, उसका ऑयल बनाते हैं, वो भी हार्ट के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, उसमें ओरिजिनल विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट बहुत होते हैं, तो भाई इसका छिलके से ही क्यों ना खाएं। तो ब्राउन राइस इसको उबाल करके और दही के साथ लें, ये जबरदस्त औषधि बता दी मैंने कोलाइटिस की। और एक जबरदस्त औषधि और है इसकी, देखो ये है संजीवनी घास, यह दूधी घास, दूधी भी 2 तरह की है, एक छोटी दूधी एक बड़ी दूधी, ये 3 चीज़ें हैं, ये संजीवनी, ये छोटी दूधी और ये बड़ी दूधी, ये अब इनका रस यदि किसी को मिल जाए तो ये तो रामबाण है, रामबाण जबरदस्त। ये कोलाइटिस के लिए इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। और बाकी पेट के डाइजेशन को ठीक रखने के लिए व्हीट ग्रास तो हम बताती है, और इस समय सर्दियों में तो सब अपने घरों में ही बो सकते हैं इसको, ये अद्भुत है इसके लिए। स्वामी जी, अगला सवाल राकेश शाह का है, उनके लीवर में कॉन्स्टिपेशन रहता है वे त्रिफला चूर्ण या बहुत ज्यादा है तो शुद्धि चूर्ण। जी जी, अभयारिष्ट ले सकते। तो राकेश शाह का सवाल ये है कि उनके लीवर में पानी भर गया जिसकी वजह से उनका जो हार्ट का फंक्शन है वो 20% कम हो गया, तो क्या उपाय है? हम्म,
अब देखो, लीवर का पानी कम करने के लिए पुनर्नवादी मंडूर खाली पेट लें दो दो गोली, और लीवामृत एडवांस ये ले लें दो दो गोली खाने के बाद, और पुनर्नवारिष्ट खाने के बाद दो दो चम्मच उसका सेवन कर लें, तो उनका लीवर का पानी भी कम हो जाएगा। सर्वकल्प क्वाथ 100 ग्राम रात को भिगो दें 2 किलो पानी में, और 200 ग्राम बच जाए तब छान करके रख लें, और थोड़ा थोड़ा करके दिन भर में 5-10 बार पी लें, उनका सूजन खत्म हो जाएगा। एक्यूट लेवल का है तो देखो फिर तो अलग चीज़ है, बाकी 100% इलाज है जो मैंने बताया। बाकी गोखरू का पानी सुबह जरूर पीना चाहिए, किसी भी तरह से शरीर में कहीं सूजन है, इन्फ्लेमेशन है, पानी रुका हुआ है, वाटर टेंशन है, कहीं पर भी लीवर से लेकर के पूरी बॉडी में जो है तो ठीक हो सकता है। स्वामी जी ये बहुत अद्भुत है। बाकी मैं कह रहा था अर्धमत सिंद्रासन जैसे मीनाक्षी जी कर रही है वक्रासन, वो भी कर लीजिए। और कुछ पूछ लो आप। नहीं स्वामी जी, मैं कह रहा था कि 8:30 बज रहे हैं, तो आप बताने वाले हैं कि लीवर को स्ट्रांग बनाने के लिए 7 दिन का डिटॉक्सिफाइड डाइट क्या है। अरे तो 8:30 बज गए, पता ही नहीं लगता वक्त कब गुजर जाता है, तो आधा घंटा हो गया। ये योगाभ्यास तो रोज करना है, और इसमें भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, अनुलोम विलोम, भ्राम उद्गीत के साथ साथ एक मैं अग्निसार और ये नोली क्रिया भी बता देता हूँ, आज बहुत दिन हो गए। आपका सिग्नेचर आसन बिल्कुल, ये तो अग्निसार है। अब इसमें घुमा देते हैं, कमाल है। ये आपका सिग्नेचर आसन है, इसके बिना कभी कभी तो लगता है कि आज शो अधूरा रह गया। और स्वामी जी हम इसको बस देखते ही रहते हैं और सोचते हैं कि काश काश आप भी ऐसा कर पाते, काश कर पाते, हो नहीं सकता। अब देखो, अब अलग अलग डाइट बताता हूं। एक मेरे मित्र है इसलिए बोल रहा हूं कि वो अभी भी जिंदा है, तुम तो निकालो पहले, तो पालक का निकालो। देखो पालक का जूस पीना चाहिए, और बहुत तरह के पालक और जो है बथुआ, इसका तो जूस बना दो, पालक और बथुआ दोनों मिला के। उनको इतनी परेशानी होगी तो जो आप बता रहे थे ना, हाथों में, पैरों में, पेट में, लीवर में, सब जगह सूजन, और हालात ये हो गई थी कि वो उठ नहीं सकते थे, और 5 बार मिक्सी बंद होगी तब सुन पाएंगे। मिक्सी की वजह से स्वामी जी एक बार फिर से बता दीजिए, फायदा बता रहे थे, एक बार फिर से बता दीजिए। देखो मूली जो है उसको रोज खाना चाहिए, और ये जो जूस है ना, लोग एक बथुए को उबाल उबाल के खाते, उबाल बथुआ और पालक इसका जूस बना करके पियो, और ये जूस भी बहुत जबरदस्त होता है। अब इसको निकालो जूस, देखो एलोवेरा, आंवला, अनार, गाजर, चुकंदर, थोड़ा सा इसमें ये हल्दी और थोड़ा सा अदरक, ये सब डाल देंगे तो एक साथ ये इतना बढ़िया जूस तैयार हो जाएगा। और ये देखो ये स्वामी जी टेस्ट कैसा आ रहा है, बथुए का जूस आप पी लीजिए, माने आवाज़ की वजह से आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही है, तो एक बार फिर से आपको बताना पड़ेगा जो आप बता रहे थे। तो दरअसल ये माइक यही लगा दिया, माइक बंद करो भाई, वो वाला माइक बंद करो, है ना। तो मैं बता रहा था
बथुए के जूस से बेहतर कुछ भी नहीं है। और बथुए के जूस के साथ साथ मैंने दूसरा जूस बताया जो है ये, जिसमें एलोवेरा है, अनार है, आंवला है, ये अदरक है, ये हल्दी, इसमें हल्दी है, ताजी हल्दी है, अना इसके अंदर गाजर है, चुकंदर है। अब ये जूस बन गया। आज कई दिनों के बाद जो है खाने पीने का माल पूरा अच्छा मिल रहा है। इतना स्वादिष्ट है ये। लोग देखो, मैं बता रहा था अलग अलग डाइट। अभी जैसे ये दूध कौन से है भाई? ये दूध है। अभी नींबू काटो, नींबू देखो ये रहा। अब एक गिलास दो खाली। ये ग्लास के अंदर एक कप दूध और उसके अंदर ये नींबू निचोड़ दो। किसी को बवासीर तो नहीं है? बवासीर तो नहीं? हाँ स्वामी जी, नींबू मिलाने से दूध तो फट जाता है। एक नींबू निचोड़ करके, अरे नहीं फटेगा ना पूरा, एक नींबू ऐसे निचोड़ करके खाली पे ये पूरा नींबू डाल रहा हूं। ये ठंडा दूध है और ये ठंडा दूध डाल, ठंडे दूध के अंदर एक कप दूध के अंदर एक पूरा ये नींबू निचोड़, नींबू निचोड़ करके और चम्मच देना। अभी देखो ये दूध कहीं नहीं फटा है, एकदम जी। इससे फायदा क्या होगा स्वामी जी? तो ये निचोड़ा हो गई है। इसका फायदा ये होगा, ठंडे दूध में नींबू डाल करके तुरंत निचोड़ करके पी गए तो ये बवासीर के लिए अक्सीर दवा। अच्छा, बवासीर के लिए अक्सीर दवा है। तो ये दूध के अंदर नींबू निचोड़ करके ये खाने पे, फिर ये मैंने मूली का प्रयोग बताया ही था आपको। अब ये दही के अंदर मैंने आपको आज चार पांच चीजें बताई हैं। दही के अंदर बेल का प्रयोग, दही के अंदर सेव, दही के अंदर अनार, दही के अंदर जो है ब्राउन राइस, ये देते हैं तो इससे पेट के लिए तो अद्भुत। इसके अंदर ई सब गुण, ऐसे पांच चीजों का प्रयोग कर सकते हैं। आज ये छोटी छोटी चीजें मैंने इसलिए बताई है, और फिर जिनको बवासीर होती है उनके लिए ये नाक दूध के लिए तीन पत्ते सुबह खाने में खिला देते हैं। ये पूरे देश में होता है और ये बड़ा, ये अति बड़ा, इसके ये बीज से होते हैं। बिल्कुल, लिवर की परेशानी की बला को ये हमेशा दूर करेगी, अति बला का ये पौधा या औषधि। तो जिनको पेट की बीमारी है रोज मूली खाया करें खाली पेट, एक दो महीने में पूरे अच्छे हो जाएंगे। बहुत बहुत प्रणाम आपको जी। धन्यवाद स्वामी जी, प्रणाम। धन्यवाद।